गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो तीन मेन टॉपिक रहेंगे, डेट इज हार्टबीट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। हार्टबीट, ब्लड एंड ब्लड प्रेशर क्या होते हैं इसके बारे में हम इन डिटेल में समझेंगे। हार्टबीट, ब्लड प्रेशर एंड पल्सेस। सबसे पहले बात करते हैं हार्टबीट्स की। जब हमारा हार्ट जो होता है रिलैक्स होता है तो उसके अंदर ब्लड भर आता है, उसके अंदर ब्लड आता है इन रिलैक्स कंडीशन फ्रॉम लंग्स ब्लड आता है। एंड जब हमारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड हमारी ऑल ओवर द बॉडी मूव करता है। तो हमारा ब्लड जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट करता है, और जब ब्लड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मूवमेंट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन को मिला करके एक हार्टबीट बनती है। हार्टबीट जो होती है वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन इन अ साइकिल कॉल्ड हार्टबीट। हार्टबीट की कंडीशन में एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, ब्लड हर्ट से बाहर निकलता है, और रिलैक्सेशन के दौरान उसमें आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन इन अ हार्ट इज सेड टू बी हार्ट बीट। सो हार्ट बीट, हार्ट बीट। सो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट का साइज छोटा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो साइज छोटा हो जाता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो साइज बड़ा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा साइज छोटा होगा तो ब्लड ऑब्वियसली बात बाहर निकलेगा, और जब रिलैक्स होगा साइज बड़ा होगा तो ओरिजिनल साइज होगा बड़ा होगा, ओरिजिनल साइज होगा तो उसमें ब्लड इंसर्ट होगा। इस तरीके से हार्ट बीट जो होती हैं वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और वन कंप्लीट रिलैक्सेशन के द्वारा बनती हैं, और ये हमारे ब्लड को फ्लो कराती हैं। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से बाहर निकलता है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड हमारे यहाँ से, आप देख सकते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड हमारे यहाँ से बाहर निकला। एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड कम इन द हार्ट, ब्लड कम इन द हार्ट। ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर आता है। एंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो हार्ट बीट होती है 70 to 72 टाइम होती है। फॉर नॉर्मल पर्सन हार्ट बीट्स 70 to 72 टाइम्स। नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट बीट होती हैं, मीटू से 72 टाइम कहने का मतलब क्या है, मीटू 72 टाइम वन साइकिल है तो एक बार ब्लड बाहर निकलेगा और एक बार ब्लड आएगा। मीटू से
वन हार्ट बीट में एक बार ब्लड बाहर जाता है, एक बार ब्लड अंदर आता है, तो 72 टाइम में, और 72 टाइम ब्लड बाहर जाएगा और ब्लड अंदर आएगा, तब 72 हार्ट बीट बनेंगी। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये चेंज हो सकता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। हाँ, बट वाइल एक्सरसाइजिंग, वाइल एक्सरसाइज हार्ट बीट मे बी डिफरेंट, हार्ट बीट जो होती हैं अलग हो सकती हैं, हार्ट बीट आर गोइंग टू बी डिफरेंट। नोट डाउन, एक्सरसाइज के दौरान ये हार्ट बीट तकरीबन 110 टाइम्स और इवन मोर भी जा सकती हैं। हार्ट बीट को हम यहाँ पर हाथ रखते हैं, हार्ट पर हाथ रखते हैं, तो यहाँ पर हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, वन कॉन्ट्रेक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, वन कॉन्ट्रेक्शन एंड वन रिलैक्सेशन। हम जो हमारी हार्ट बीट होती हैं इन्हें मेजर करते हैं बाय ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट आर मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेटोस्कोप की मदद से हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं। तो हम क्या हुआ, हार्ट बीट जो होती है वन कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन और वन कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इट कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होती है कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ब्लड ब्लड अंदर आता है, और सॉरी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ब्लड हमारे हार्ट से बाहर जाता है, और रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट के अंदर ब्लड आता है। नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट बीट होती हैं वो 72 टाइम होती हैं, वाइल एक्सरसाइज के दौरान ये 110 टाइम या 100 टाइम और 100 टाइम हो सकती हैं। साथ ही साथ हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। नोट डाउन, हम हार्ट बीट को बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्सेस। हार्ट बीट कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पल्सेस। अरे पल्सेस क्या होती हैं, तो पल्सेस को समझने के पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, हार्ट बीट कैन बी इजीली मेजर्ड, हार्ट बीट कैन बी इजीली मेजर्ड हेल्प ऑफ पल्सेस। पल्सेस की मदद से हम बड़ी आसानी से हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। क्या होती हैं पल्सेस, तो वी हैव पल्सेस, तो पल्सेस को हम बताना चाहें तो कह सकते हैं जब हार्ट बीट होती हैं, किस तरीके से मेजर करते हैं, जब हार्ट बीट होती हैं तो हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है, अरोटा के अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सो एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज ईच टाइम द ब्लड फ्लो थ्रू इट कॉल्ड पल्सेस, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ अरोटा आर्टरीज एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज ईच टाइम
ब्लड फ्लो थ्रू इट, इस टाइम ब्लड फ्लो थ्रू इट, हर बार जब ब्लड फ्लो करता है, हर बार जब ब्लड फ्लो करता है सो माई आर्टरी में एक्सपेंशन होता है, देयर इज एन एक्सपेंशन इन आवर आर्टरीज और दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड पल्सेस, इन्हीं को हम पल्सेस कहते हैं, दीज आर कॉल्ड पल्सेस, कॉल्ड पल्सेस। हाँ, जितनी हर्ट बीट होती है हमारी, जितनी टाइम हर्ट हमारे पंप करता है, जितनी बार हमारा हर्ट पंप करता है उतनी ही बार हमारी आर्टरीज में एक्सपेंशन होता है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हर्ट बीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पल्सेस, या जितनी नंबर ऑफ हर्ट बीट होते हैं उतनी हमारे पल्सेस भी होते हैं। सो फॉर नॉर्मल पर्सन, और नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन नंबर ऑफ हर्ट बीट, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ पल्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। नॉर्मल पर्सन के लिए जो नंबर ऑफ पल्स होती हैं वो नंबर ऑफ हार्ट बीट के बराबर होती हैं। सो हम कह सकते हैं फॉर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन नंबर ऑफ हार्ट बीट इज 72 टाइम के बराबर होती हैं। नॉर्मल पर्सन के अंदर 72 टाइम हमें पल्सेस देखने को मिलती हैं। ये 7-7 टाइम तब होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बट वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, परफॉर्मिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ पल्सेस में भी चेंज, रेट ऑफ पल्सेस में भी चेंज, रेट ऑफ पल्सेस होता है चेंज हो सकता है, रेट ऑफ पल्सेस में भी चेंज, रेट ऑफ पल्सेस में चेंज हमें देखने को मिल सकता है। हम अपनी आर्टरी को देख सकते हैं, हाँ, एट ब्रेस्ट टेम्पल एंड नेक, ब्रेस्ट टेम्पल एंड नेक वी कैन, वन कैन फील द पल्सेस, क्योंकि इनमें जो आर्चीज होती हैं वो थोड़ी आउट होती हैं। हमारे ट्रेडिशनली हम जो मेयर करते हैं, हम जो पल्सेस देखते हैं वो देखते हैं एट द हैंड और ब्रेस्ट के पर, हैंड पे जो हमारी ब्रेस्ट है इसमें हम देखते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे पल्सेस को कैसे देखते हैं, जब हम देखते हैं सबसे पहले वो हमारे हैंड को लेते हैं और एक हैंड पर अपनी दो उंगलियां, एक इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं और वो एक टाइम पर घड़ी को देखते हैं और एक टाइम पर हमारे नंबर ऑफ पल्सेस को मेजर करते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन की कंडीशन में अगर हमारे 72
72 के करीब आ रही हैं, तो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं अगर रेट ऑफ पल्सेस 72 से 72 टाइम ज़्यादा आ रही है एक मिनट के अंदर, घड़ी से वो देखते हैं, एक मिनट ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आइडिया लगाती हैं कि एक पर्सन की हेल्थ कैसी है विद द मेजरमेंट ऑफ पल्स। पल्स की मदद से वो आइडिया लगा लेते हैं कि इसके हार्ट की हालत कैसी है। विद द हेल्प ऑफ पल्स दे आर एबल टू गेट आइडिया व्हाट द कंडीशन ऑफ द हार्ट ऑफ दैट पर्सन। और ट्रेडिशनली जो डॉक्टर्स होते हैं टेक द रेट विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट। ट्रेडिशनली पल्स मेजर्ड एट द ब्रिस्ट ऑफ अ पर्सन। विद द हेल्प ऑफ पल्स रेट with the help of pulse rate doctor is able to take the idea of condition of heart, condition of heart ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन के हार्ट की कंडीशन कैसी है उसका आइडिया अच्छे से लगा पाता है। तो पल्स क्या होते हैं? पल्स जो होते हैं एक्सप्रेशन इन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड फ्लो थ्रू इट। ब्लड जो होता है अरोटा में हर बार जब हार्ट बीट के दौरान आता है निकलता है विद अ प्रेशर, तो उस एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी को कहते हैं पल्स। और नॉर्मल पर्सन के अंदर 72 टाइम हमारे पल्सेस देखने को मिलते हैं। ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट के। हार्ट बीट करता है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, हार्ट बीट कहते हैं। और जब हार्ट बीट होने पर ये एक्सपेंशन होता है इसके अंदर ऐसे एक्सपेंशन होता है, इसे हम बोलते हैं पल्सेस। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप वाई द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि किस प्रेशर पे, वो कितना प्रेशर था जिस पे कि ब्लड ने जो हार्ट था उसको ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफर किया, उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर एट विच ब्लड पंप अराउंड द बॉडी वाई हार्ट। प्रेशर एट विच ब्लड पंप अराउंड द बॉडी बाई हार्ट, वो प्रेशर जिसके ऊपर ब्लड पंप करता है ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इट इज मेजर इन mmHg मिलीमीटर ऑफ एच मर्करी। इट इज मेजर्ड इन mmHg। इसकी असाइनमेंट रहती है mmHg में ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। नाउ
इट इज ऑफ टू टाइप, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकेंड डाइस्टोलिक प्रेशर। डाइस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डाइस्टोलिक प्रेशर, ये दो तरीके का प्रेशर रहता है। स्टॉलिक प्रेशर डायस्टोलिक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्टॉल क्या होता है, स्टॉल एंड डायस्टॉल। सबसे पहले समझते स्टॉल, स्टॉल इज द फेस ऑफ हार्ट बीट, वो फेस ऑफ हार्ट बीट जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंप करता है ब्लड को आर्टरीज के अंदर। तो फेज ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट व्हेन, फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पास द ब्लड एंड पंप, पास कहते हैं पंप, कहते हैं पंप द ब्लड तो फेज ऑफ हार्ट बीट, वो हार्ट बीट का वो फेज जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरीज में से ब्लड को ट्रांसफर करता है। तो फेज ऑफ इज कॉल्ड स्टॉल, कॉल्ड स्टॉलिक, एंड स्टॉलिक प्रेशर क्या होता है, स्टॉलिक प्रेशर, स्टॉलिक प्रेशर द प्रेशर विद विच, प्रेशर विद विच द ब्लड पंप आउट ऑफ द हर्ट टू आर्टरीज, मतलब हर्ट से कितने प्रेशर पे ब्लड निकल रहा है व्हेन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। नोट डाउन। सो मैक्सिमम प्रेशर एट विच हार्ट लीव द ब्लड टू आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान मैक्सिमम प्रेशर जो जिससे कि हर्ट से मैक्सिमम प्रेशर एट विच हर्ट लीव द ब्लड, वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे हर्ट लीव करता है ब्लड आर्टरीज में अपने कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल पर्सन, फॉर नॉर्मल पर्सन इट इज इक्वल्स टू 120 mmHg, नॉर्मल पर्सन के लिए ये इसके बराबर होता है। तो
स्टॉलिक प्रेशर के लिए हमें स्टॉल समझना पड़ेगा। स्टॉल वो फेज होता है हार्ट बीट का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, और सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है वो मैक्सिमम प्रेशर जिसमें हार्ट ब्लड को लीव करता है, पंप करता है इनटू आर्टरीज ड्यूरिंग इस कॉन्ट्रैक्शन फेज। और नॉर्मल पर्सन के लिए जो मेजरमेंट होता है वो 120 mmHg के बराबर होता है। नाउ फॉर कंडीशन सेकंड वी हैव, यहां से लिखते हैं सेकंड डायस्टोलिक प्रेस, डायस्टोल, हाँ देख इसे कह सकते हैं कंडीशन ऑफ हार्ट बीट व्हेन हार्ट इज रिलैक्स्ड, हार्ट रिलैक्स होता है एंड अलाउ द ब्लड टू फिल विद इन हार्ट। सो डायस्टोलिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जबकि हार्ट बीट जो होता है, कंडीशन ऑफ हार्ट बीट व्हेन हार्ट इज रिलैक्स एंड अलाउ AOW अलाउ द ब्लड टू फिल विद इन हार्ट, और ब्लड को फिल करने में सपोर्ट करता है। और थर्ड, और यहां डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, वो मिनिमम प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स होता है आर्टरीज के अंदर होता है उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और फॉर नॉर्मल पर्सन ये 80 mmHg होता है। और कॉमनली जब स्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को एक साथ लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ऐसे 120 हमारा स्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, इस तरीके से लिखते हैं। नोट डाउन। हाँ, और जो डिवाइस मेजर करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को उसे बोलते हैं स्पाइरोगायरोमीटर। मीटर डिवाइस डेट मेजर ब्लड प्रेशर, डिवाइस डेट मेजर ब्लड प्रेशर और सिंपल बीपी। स्पाइरोगायरोमीटर वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जब पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड
हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो मीन टू से हर्ट बीट के, हम ब्लड प्रेशर को दोबारा समझना चाहें तो इसके डायग्राम की मदद से, ब्लड प्रेशर जो होता है जब हमारे ब्लड को रोटेट फ्लो कराने की बात होती है, तो एक प्रेशर देना पड़ेगा तभी तो ब्लड फ्लो करेगा बॉडी के अंदर। सो हर्ट जो होता है एक प्रेशर से ब्लड को फ्लो कराता है, ब्लड को पंप करता है इन आवर बॉडी, और जिस प्रेशर से वो पंप करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब स्टॉलिक प्रेशर, वो प्रेशर होता है जब हमारी बॉडी में वो मैक्सिमम प्रेशर, जब हमारी ब्लड हार्ट जो होता है कॉन्ट्रेक्शन फेज में होता है, और कॉन्ट्रेक्शन फेज में जब हमारी आर्टरी से बॉडी के पास जा रहा होता है ब्लड, उस कंडीशन में कितना प्रेशर लगाया उसने, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब डायस्टोलिक प्रेशर, वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट जो था रिलैक्स कंडीशन में था और ब्लड को फिल कर रहा था, तो वो मिनिमम प्रेशर जो कि उसने लगाया उस रिलैक्सेशन फेज में, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल पर्सन के लिए हमारा ये रहता है नॉर्मल पर्सन। वहीं जब एज हो जाती है तो तकरीबन 145.90 करीब बीच जा सकता है जो, और जब ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो हाइपरटेंशन भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ से ब्लड गया आर्टरीज में पहुँचाया, लेकिन अगर कहीं आर्टरीज जो हैं वो स्लो डाउन हो गई या कुछ आने की वजह से यहाँ पर ड्रस्ट पार्ट हार्मफुल कैंसर के पार्टिकल किसी को, कोई भी चौक हो गई हमारी नसें, जिसके कारण अब ब्लड की रिक्वायरमेंट में है, तो हमारा हार्ट उसे जोर से पंप करेगा। और लेकिन जब हमारा उसे पंप करेगा तो वो प्रेशर भी लगाएगा, और जब प्रेशर लगाएगा तभी हमारा ब्लड आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब वो प्रेशर लगाता है, बहुत जोर से प्रेशर लगाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रेशर को हमारी आर्टरी बेयर नहीं कर पाती है, ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है, तो जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। और इसी हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हम थोड़ा सीखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। हर्ट बीट, हर्ट बीट हमने आपको सबसे पहले बताया, हर्ट बीट जो था वन कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हर्ट, एक कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन को मिला करके हमारी एक हर्ट बीट बनती है। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, एक बार रिलैक्सेशन होना, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन जब हमारा हर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कमिंग आउट ऑफ द हर्ट, कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ब्लड जो होता है हमारी ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, ब्लड से बाहर जाता है, जो हिस्सा हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे ब्लड बाहर जाएगा। अगर हमारा आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्टेरियम से बाहर जाएगा, अगर हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल से बाहर जाएगा। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ब्लड हार्ट के अंदर आता है, हार्ट के अंदर से हमारा आर्टेरियम रिलैक्स है तो आर्टेरियम के अंदर आएगा, और अगर हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स तो वेंट्रिकल के अंदर आएगा। नॉर्मल पर्सन के लिए हार्ट बीट जो होती है 7 to 7 times होते हैं, और जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के दौरान ये बढ़ सकते हैं, बिकॉज वी रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोर अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ट्रांसफर मोर अमाउंट ऑफ फूड न्यूट्रिशन, तो रेस्पिरेशन गोइंग टू टेक प्लेस। हार्ट बीट को मेयर किया जाता है विद अ डिवाइस कॉल्ड स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप की मदद से हार्ट बीट को मेयर किया जाता है। हार्ट कैन बी इजीली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पल्सेस, हार्ट बीट को मेयर करने के लिए ट्रेडिशनली हम पल्सेस का भी यूज करते हैं। पल्सेस क्या होती हैं, पल्सेस एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज और अरोटा ईच टाइम द ब्लड फ्लो थ्रू इट, हर बार जब ब्लड जो होता है आर्टरीज से होते जाता है हार्ट बीट के दौरान, तो उसमें एक एक्सपेंशन आता है, और उसी एक्सपेंशन को आर्टरीज के अंदर हम पल्सेस कहते हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए जो पल्सेस होते हैं वो नंबर ऑफ आर्टरीज के बराबर, नंबर ऑफ हार्ट बीट के बराबर ही होते हैं, लेकिन जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी हार्ट बीट के साथ साथ अकॉर्डिंगली बढ़ जाती हैं। हम
वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ पल्सेस में चेंज, वो चेंज हो सकती हैं। हम पल्सेस को मेजर करने के लिए ब्रिस्ट टेम्पल नेक पे जो हमारी आर्टरीज होती हैं उन्हें टच करके फील कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारी बॉडी में बाहर निकली हुई होती है। डॉक्टर जो होते हैं इसलिए मेजर करके पता लगा लेते हैं। ट्रेडिशनली पल्सेस जो होती हैं ब्रेस्ट पे मेजर की जाती हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्टर इज एबल टू गेट द आइडिया ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, क्या होता है ब्लड प्रेशर? वो प्रेशर जिस प्रेशर से हमारी हार्ट से ब्लड बाहर आ रहा है, आर्टरीज में जा रहा है। प्रेशर एट विच ब्लड पंप अराउंड द बॉडी बाई हार्ट, वो प्रेशर जिस पर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे हम MMHg मेजर करते हैं, और वो डिवाइस जिससे ब्लड को मेजर किया जाता है उसे स्पायरोबैरोमीटर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर दो तरीके होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। स्टोलिक प्रेशर को समझने के लिए हमें स्ट्रोक सुनना पड़ेगा। हार्ट बीट की वो फेज जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पंप द ब्लड आउट, वो फेज हार्ट की जब ब्लड हमारा हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड को पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है, उस पार्ट को बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पे कि हमारा जो हार्ट लीव करता है ब्लड को टू आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन फेज। कॉन्ट्रेक्शन फेज के दौरान, जब कॉन्ट्रेक्शन फेज होता है उसके दौरान जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो किया जाता है बाय आवर हार्ट, उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है, हाई होता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर के, डायस्टोल समझे, वो कंडीशन जब हमारा हार्ट बीट जो होती है रिलैक्स कंडीशन में होता है और हमारा हार्ट ब्लड को अपने अंदर फिल करता है, उस कंडीशन डायस्टोल कहते हैं। और वो मिनिमम प्रेशर जब आरजी जो होती है रिलैक्स फेज में होती हैं और ब्लड को फ्लो कर रही होती हैं ब्लड को, उसमें तो उसी कंडीशन में उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए 80 mmHg का होता है और हम इसे 120-80 के फॉर्म में लिखते हैं। 120 में तो स्टोलिक प्रेशर एंड 80 का डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारी एज बढ़ जाती है नॉर्मल पर्सन के अंदर, या जो एज पर्सन जैसे कि यंग पर्सन जो होते हैं उनके अंदर इतना मिलता है, वहीं जब एज बढ़ती है तो क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और तो इस तरीके से स्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर भी हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। और जब ये ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। सो नोट डाउन।